जय हिंद आप सभी लोग को। अभी देखिए जो है यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर के आज की जो वीडियो हम आपके समक्ष आए हैं काफी शानदार है। ऐसी चीज है कि जो है आप देखेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी जो है ना एक अलग है तरह के तरीके से जो है मुड़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर आप गंभीर नहीं हुए इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको सुनने समझने के बावजूद गंभीर नहीं हुए तब तो बेकार है। ठीक है, क्लियर तो हो गया है कि भाई उम्र में छूट सरकार कितनी दे दी है, 3 साल। इतना तो क्लियर हो गया कि चलिए भाई उम्र में छूट मिल गई। अब जैसे ही उम्र में छूट मिली कई चीजें बदलने वाली हैं, और इसको लेकर के वैसे भी हम साल भर से चिल्लाते आ रहे थे कि उम्र में छूट मिलेगी। अब देखिए होना क्या है, लगभग 30 लाख से ऊपर, पहली चीज तो आवेदन जो है कम से कम 7-8 लाख ज्यादा होंगे। इतना तो फिक्स हो गया कि कम से कम 30 लाख से ऊपर आवेदन होने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा यार जहां 20-22 लाख आवेदन था, 7-8 लाख लोग बढ़ गए तो मेरिट जाहिर है बढ़ने बढ़ेगी। और इसमें होना क्या है, आवेदन तिथि जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कि 20 दिन में ही आवेदन खत्म किया जा रहा है। आवेदन तिथि को लेकर के अगर साइट पर इतने लोग जो है ऑनलाइन करेंगे, या ये जो लेट दिया गया है एज रिलैक्सेशन, इसकी वजह से आवेदन तिथि बढ़ाई जाएगी, जो कि हो सकता है ये पूरे जनवरी महीने चले, जिसकी वजह से एग्जाम डेट आपका बदलने जा रहा है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले कंटिन्यू 4-5 दिन से बार बार हम उम्र में छूट नहीं मिली थी, उसके बावजूद बार बार रिपीट कर रहे थे कि नहीं देखिए उम्र में छूट मिलने की संभावना बढ़ गई है, आज ये हुआ वो हुआ, उम्र में छूट मिलने जा रही है। तो 3 दिन, 2-4 दिन जाते जाते उम्र में छूट आपके सामने आ गई। अब वैसे ही ये सब चीजें आपके समक्ष 1 हफ्ते के अंदर होने वाली क्लियर है, 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे ये सब बदलने वाली चीजें हैं। ठीक है ना, तो उम्र में छूट के साथ साथ ये जो आवेदन की तिथि है बदलेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कट ऑफ जब आप जानेंगे तो अब क्लियर होगा। आज हम कम्युनिटी पर प्रश्न पूछे थे कि बताइए कट ऑफ जनरल की कितनी जाएगी। आप जाकर के कम्युनिटी पर चैनल पर देखिएगा, लड़के जो है अलग अलग प्रकार से कट ऑफ बता रहे हैं, गजब का। आप देखेंगे ना तो कहेंगे वाकई में हाँ लड़कों में गजब का सस्पेंस फैला हुआ है। आइए क्लियर करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। जो कट ऑफ बताएंगे आप जान लीजिए कि 99% वही जाएगी, आइए समझिएगा। और हाँ आरकस स्टडी को थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, दिल से जो है आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं बढ़िया से जो है। ठीक है, जानते हैं हम लोग कट ऑफ, ये आपका हो गया जनरल, ये क्या है EWS या OBC, इधर आपकी SC कैटेगरी हो गई, ये आपकी लड़कियां हो गई। ठीक है, लड़कियों की कट ऑफ जो है, और साथ में जो है आपकी ST है। फिर आप रख लीजिए फ्रीडम फाइटर है, एक्समैन है, या जो भी है इनको रख लीजिए। ये कैटेगरियां हैं सबकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और अभी हम जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं ना, काफी लोग जो है यकीन नहीं करेंगे, उनको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों में से काफी लोगों को ऐसा लगेगा। पहली चीज क्लियर कर दे कि जो जनरल की कट ऑफ है 220 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। शायद आपको सुन के झटका फटका लटका कुछ लग सकता है कि आप यकीन न करें, बिल्कुल काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या ना कि यूट्यूब से लेके काफी जगह 3 240 250 ऐसे कट ऑफ बताई जा रही है। आपको बता रहे ना कि जैसे हम कहे थे कि अगर उम्र में छूट नहीं मिली तो आरकस स्टडी चैनल को हम बंद कर देंगे, चैलेंज दे करके कहे थे उम्र में छूट मिली, आज दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि अगर उम्र ये जो कट ऑफ है 220 के ऊपर चली जाए तो फिर आप कहिएगा बिल्कुल नहीं जाने वाली है। अगर कोई भी यूट्यूब का चैनल आपको डिमोटिवेट कर रहा है या जो है तमाम तरीके से कट ऑफ को बढ़ा के बता रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि 220 से 0.1 नंबर भी कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी जनरल की। और वहीं अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी कितनी रहेगी 215। हमारी एक आदत है, हम जो कट ऑफ बताते हैं ना वो नीचे नहीं बताते हैं, वो ऊपर मैक्सिमम बताते हैं। जब भी जनरल की कट ऑफ जाएगी 220 के नीचे ही रहेगी, चाहे 200 जाए, 205 जाए, 208 जाए, 210 जाए, कुछ हो जाए, मगर 220 के नीचे ही रहेगी, ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लिख दिया 215 तो वो कट ऑफ उसके नीचे ही रहने वाली है, ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाली।
आप इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल लीजिए कि ये कट ऑफ जो है इसके नीचे रहेगी, क्योंकि मेरी आदत है हम फाइनल सिलेक्शन की मैक्सिमम कट ऑफ बताते हैं। अगर बात करें जो है एससी कैटेगरी की, तो इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। अब परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा, 2-4-5 नंबर का होगा। 195 के ऊपर अगर आप चले गए, 195 से 1 नंबर ऊपर आप चले गए ना, 99 का एकदम पूरा का पूरा 100% आप सेफ है। 195 पर लड़कियां हैं और एससी कैटेगरी। लड़कियों में क्या है ना कि देखिए, लड़कियां ओबीसी वाली अलग पूछती हैं, जनरल वाले, हर लड़की का कट ऑफ एक जाता है, क्योंकि तो उनके लिए सीट आरक्षित होती है, चाहे 30%, 35%, 40%। लड़कियों के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है, 20%, 25%, समझ रहे हैं। तो इनकी कट ऑफ एक अलग से बनती है, जो कि 195 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी, तो ये अपने आप को 160 प्लस रखेंगे, और फ्रीडम फाइटर जो है 90 प्लस रखेंगे। जो हमारे आर्मी के जवान हैं, बाद में आकर के यूपी पुलिस ज्वाइन करते हैं, ये 190 प्लस, और ये 90 प्लस। इसमें पीएससी की सीट बिल्कुल नहीं दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सशस्त्र बल नहीं लिखा है, सीधे बस आरक्षी नागरिक पुलिस लिखा है। पीएससी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, आपको क्लियर कर दें। अगर पीएससी की वैकेंसी रहती तो उसमें नोटिफिकेशन में सशस्त्र बल जरूर रहता। सिवाय इसमें आप देखेंगे बस एक है, आरक्षी नागरिक पुलिस, यानी कि सिविल पुलिस। अब पीएससी का पद खत्म कर दिया गया है, कि क्या है क्या नहीं है, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। उम्र में छूट से क्या परिवर्तन होने वाला है, कितने लोग आवेदन करने वाले हैं, और ये आवेदन तिथि, एग्जाम तिथि में परिवर्तन होने जा रहा है। इतना तो 100% क्लियर है कि 11 फरवरी को एग्जाम असंभव है, असंभव है कि 11 फरवरी को एग्जाम हो जाए। इस बात को तो आप दिमाग में डाल लीजिए, ये तो बदलेगा, 100% बदलेगा। अब ये बदल करके कहां जाता है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला। वैसे भी तिथि का जिक्र हम बहुत पहले कर भी चुके हैं। और हाँ, क्लास अभी आप देखेंगे रेलगाड़ी की क्लास अपलोड हो गई है, जो है मेरे 7वां चैप्टर गणित का है। धीरे धीरे क्लास अभी चले, पुरानी क्लासों को करिएगा, क्योंकि पुरानी क्लासें बेजोड़ हैं। बाकी जितने भी क्लास बचे हैं जीके, वो तमाम चीजें चैनल पर आती रहेंगी, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। इस वीडियो को थोड़ा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लड़कों में भ्रम चल रहा है ये कट ऑफ को लेकर के, उनका भ्रम बाहर हो जाए। आप कम्युनिटी पर जाकर देखेंगे लड़कों के माइंड में क्या क्या चीजें चल रही, बढ़िया से अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा।